Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Litha Classes. In today's session, we will discuss about type of unit cell. So what are type of unit cell? Unit cell को broadly two types में classify किया गया है. One is primitive और simple cubic unit cell. Second is non-primitive. Unit cell. Now, जो non-primitive unit cell है, इसको further फिर classify किया है. First is FCC, face-centered cubic unit cell. Second is BCC, body-centered cubic unit cell. Third is edge-centered cubic unit cell. Next is end-centered cubic unit cell. So इस तरह से type of unit cell को two categories में divide किया है. One is primitive, second one is non-primitive. Non-primitive को फर्दर फिर BCC, FCC, edge center और end center में classify किया गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं primitive unit cell. Primitive unit cell में क्या होता है? जितने भी atoms हैं, वो cube के corner के ऊपर present होते हैं. So इसमें हम लिख सकते हैं atoms are present. At corner of cube. So cube के corner पे present होंगे, मतलब एक atom हो गया यहाँ पे, second here, third, fourth, fifth, sixth, seventh और eighth. तो कितने atom हो गए? Eight atom हो गए. और corner का contribution कितना होता है एक unit cell के ऊपर? 1/8. So total आ गया 1. So this is Z. Z is number of atoms per unit cell. Clear? So this is the value of Z. Now moving to the next part, that is non-primitive unit cell. So non-primitive unit cell में हम सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम काउंट करेंगे FCC, face centered cubic unit cell. FCC के अंदर क्या होता है? इस तरह से होगा क्यूब, जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, प्लस कॉर्नर के साथ साथ वो फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे. सो इस बेसिस के ऊपर देखो, कॉर्नर पे लगाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Z अगर हमें कैलकुलेट करना है, कॉर्नर्स के ऊपर कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 प्लस फेस सेंटर, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2. सो कॉर्नर्स के ऊपर एटम कितने हैं? 8 × 1/8 प्लस फेस का सेंटर. तो कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phase होते हैं, 6 × 1/2. So this will be equal to 1 + 3, that is 4. So FCC के लिए जो Z होगा, that will be 4. Now next is BCC. BCC के अंदर atoms कहाँ present होते हैं? Corners के ऊपर present होते हैं, all corners of the cube plus at the center. So यहाँ से ये कितना हो गया? ये कॉर्नर हो गया और दिस इज द सेंटर. सो Z विल बी इक्वल टू कॉर्नर से कितना आया? 8 × 1/8 और बॉडी सेंटर मतलब 1 और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1. सो दिस विल बी 1 + 1, दैट इज 2. सो BCC में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर. थर्ड केस इज edge centered
क्यूबिक यूनिट सेल। सो एज सेंटर के अंदर क्या देखेंगे हम कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो एटम है प्रेजेंट एजेस के ऊपर और कॉर्नर्स के ऊपर। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर कितने किनारे होते हैं, कितने एज होते हैं। सो क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं और एक एज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/4। सो यहाँ से हम देखो बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो यहाँ से अगर हम जेड कैलकुलेट करें तो एजिस के ऊपर एज कितने हैं, 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, प्लस एज के साथ साथ कॉर्नर्स के ऊपर, तो कॉर्नर कितने हैं, 8 और 1/8। सो कॉर्नर को भी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ से मिला के ये कितना हो गया, 3 + 1 = 4। क्लियर। नेक्स्ट इज एंड सेंटर। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो एंड सेंटर में क्या होगा, एटम्स आर प्रेजेंट एज ऑल्टरनेट फेसेस, ऑल्टरनेट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे एटम्स। सो ओवरऑल अगर क्यूब में देखें सिर्फ 2 फेसेस के ऊपर ही हैंगे एटम्स, क्योंकि ऑल्टरनेट फेसेस तभी होगा जब 2 फेस के ऊपर आ गया। तो दिस इज वन फेस, दिस वन इज अनदर फेस। सो जेड इज फेस कितने हो गए, कितने फेस पे एटम्स प्रेजेंट है, 2, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, प्लस कॉर्नर्स, कॉर्नर कितने हैं, 8 × 1/8। सो दीज आर द कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। ऑल्टरनेट फेसेस में हम सिर्फ 2 फेसेस को ही काउंट करेंगे, क्योंकि 2 से एक्स्ट्रा अगर हम काउंट करेंगे तो वो ऑल्टरनेट फेसेस नहीं आएगा। सो दिस इज फ्रॉम ऑल्टरनेट फेसेस। क्लियर। सो यहाँ से ये कितना हो गया, 1 + 1 = 2। सो दिस इज द केस फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहाँ से अगर हम क्यूबिक लैटिस के लिए जनरल फॉर्मूला लिखें, सो व्हाट विल बी दैट फॉर्मूला, तो जेड विल बी इक्वल टू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2, एंड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, मतलब एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4, और दिस इज सेंटर, जेड आई इज बॉडी सेंटर, तो वो कितना हो गया, 3। क्लियर। और अगर इसी तरह से अभी तक जो भी हमने केस देखा था, इसमें क्या केस देखा है, क्यूबिक लैटिस का, लेकिन अगर हेक्सागोनल लैटिस हो तो उसके अंदर z को कैसे डिफाइन कर। सो फॉर हेक्सागोनल लैटिस z विल बी इक्वल टू zc + 6, कॉर्नर का हो गया 1/6, फेस का हो गया 1/2, एज का हो गया 1/3, और बॉडी सेंटर का हो गया 1। सो इस तरह से हम z को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दिस इज फॉर हेक्सागोनल लैटिस, जनरल फॉर्मूला फॉर हेक्सागोनल लैटिस। क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्यूबिक लैटिस ए एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेसेस। सो हमें फॉर्मूला डराइव करना है कि ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको, ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट इज की क्वेश्चन में गिवन है कि क्यूबिक लैटिस है। सो ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। सो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/8, सो दिस विल बी 1। बी कहाँ प्रेजेंट है, एटम्स फेस के ऊपर, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, और एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, सो दिस विल बी 3। सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, a1b3, सो ab3, दिस इज द फॉर्मूला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लैटिस एटम ए इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी, सो दिस इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर,
और एटम बी है दैट इज प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस। सो एफसीसी लैटिस का क्या मतलब है? एफसीसी लैटिस का मतलब है फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला डराइव करना है। सो कैसे निकालेंगे? ए कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर। एक बॉडी सेंटर होता है और ए की कंट्रीब्यूशन हो गया, तो दिस विल बी वन। बी फेस सेंटर मतलब एफसीसी लैटिस में, तो फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फेस सेंटर के लिए जेड हमने कितना कैलकुलेट किया था? 4। लेकिन अभी यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे, तो फेस सेंटर कितने हैं? 6। ए का कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस कॉर्नर कितने हैं? 8। ए का कंट्रीब्यूशन 1/8, सो दिस विल बी 3+1 दैट इज 4। सो कितना हो गया? ए बी 4। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज कि अगर कोई भी लैटिस दे रखा है उसका हमें जेड मालूम है, जैसे एफ सी सी हो गया, बी सी सी हो गया, एज सेंटर हो गया, एंड सेंटर हो गया, अगर हमें जेड मालूम है, सो एक कॉन्सेप्ट आता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एट बॉडी डायगोनल के ऊपर। सो दिस इज द बॉडी डायगोनल, तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा और एक यहाँ प्रेजेंट होगा, तो बॉडी डायगोनल होते कितने हैं? 4, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, सो ये कितना हो गया? 8। ये हम लगा लेते हैं एफसीसी का केस। अगर एफसीसी है तो जेड कितना हो गया? 4, सो दिस विल बी 8, सो दिस विल बी 2z। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पे प्लस एज सेंटर। सो बॉडी सेंटर कितना होता है? 1, कंट्रीब्यूशन 1। एज सेंटर कितने हैं? 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, तो दिस इज 4, सो दिस इज जेड। एफसीसी के केस के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो जेड होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उससे डबल क्या हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं कि अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड का अमाउंट नहीं मालूम है तो जो भी जेड होगा जेड का डबल करेंगे तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, और अगर सिंगल रखे जेड ही रखेंगे सो दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ क्वेश्चन है, इन अ क्यूबिक लैटिस क्यू एटम इज प्रेजेंट एज सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, एंड एटम पी इज प्रेजेंट एज टेट्राहेड्रल साइड। तो हमें इसका क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। सो क्यू कहाँ प्रेजेंट है? एफसीसी में, तो इसका हम जेड मान लेते हैं। पी कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होते हैं? 2z। सो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे सो दिस इज 1:2, सो फॉर्मूला क्या हो गया? P2Q या फिर QP2। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्पाइनल स्ट्रक्चर जो ऑक्साइड आयंस हैं दीज आर प्रेजेंट इन सीसीपी, वेयर एज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय A2 पॉजिटिव कैटायन एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B3 पॉजिटिव कैटायन। सो हमें जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बताना है। सो कैसे बताएंगे? फर्स्ट इज A, B और O, 3 है। O किस में है? CCP में, तो इसका मान लिया जेड। A किस में है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कितना है? 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज CCP। सो इसको हमने जेड माना। सो ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? जेड ही होता है। टेट्राहेड्रल कितना होता है? 2z होता है। सो दिस इज 1/4, 1/2 एंड 1। सो अगर यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 1/2, 4, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे।
सो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी टू ओ फोर। क्लियर, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वगैरह का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम जेड से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे।